कि जो लोग जहां नट ब्लॉक के ब्लोड में इकट्ठे हुए हैं, तो ये आपको पता है कि हमारी काफ़ी दिनों से ये एक हमारा संघर्ष चल रहा है। जो दो नाले हैं हमारा, एक नट सराई नाला है और रूई नाला है जिसमें मोहरगढ़ और सरना पड़ता है, तो उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी बार जाके मिले हैं। हम डीसी साहब से भी मिले हैं, हम डीएमओ साहब से मिले हैं, डायरेक्टर साहब से भी मिले हैं, लेकिन हमें कोई अच्छा रिस्पांस जो है वो इन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें नहीं मिला है। इसलिए हम थोड़े से कंफ्यूज भी थे, लेकिन कल हमारे एलजी साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे वो सांबा में आए थे और हमने अपने ब्लॉक के चेयरमैन साहब को वहाँ भेजा और इन्होंने जाके उनसे बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है, डीसी साहब ने जो हमें बोला है कि हमने इनको निकाल दिया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई अभी तक रिस्पांस नहीं मिला है। और ब्लॉक के मैक्सिमम सरपंच, यहाँ के चेयरमैन और यहाँ का आवाम जो है वो एकजुट यहाँ पे हुआ था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से नट ब्लॉक के दो नालों का जबरन जो है वो टेंडर करवाया गया है। क्योंकि जबरन इसलिए कहूंगा क्योंकि यहाँ की जो जनता की जो आवाज थी वो ये थी कि इन नालों से खनन के लिए टेंडर ना करवाया जाए, परंतु उसके बावजूद भी उसका टेंडर हुआ और उसी को लेकर यहाँ पे लोग जो है आज एकत्रित हुए हैं कि क्योंकि अगर इन नालों का खनन होता है तो इस क्षेत्र में पानी का अकाल पड़ जाएगा। क्योंकि आज से 20 साल पहले भी एक बार यहाँ इन दोनों ही नालों से खनन हुआ था, उसके बाद क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मच गया था। एक और हमारे प्रधानमंत्री जो है जल संरक्षण के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर प्रशासन यहाँ पे इस तरह से खनन करवाने के लिए टेंडर करवाता है तो उससे यहाँ पे खनन होने के बाद पानी का जो है वो अभाव हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में लोगों को कई परेशानियों को सामना करना पड़ेगा।